हरिम तत्सत् ओम नम भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अत गीतार चतुर्थोध्याय ज्ञान युग नामकम् श्री भगवानुवाच। ओमिमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मन विप्राह मुनीरीक्षकवः ब्रवीत्। ओमेवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपो स एवायं मया तेहद्यो योगः प्रोक्तो पुरातनः भक्तो श्री मे सखा चेति रहस्यं जेदुत्तमम्। अर्जुनो युवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कतत् मे तद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्नोऽहं वेदो सर्वाणि न त्वं व्यथ परन्तपो अजोऽहोऽपि सन्नवयात्मा भूतनामीश्वरिहोऽपीशन् प्रकृतिं समधिष्ठाय सम्भवामात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्तो देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया माम उपस्रीतः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यतामं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजम्यहं। ममो वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थो सर्वशः ओं कांक्षन्तो कर्मणां सिद्धिं यजन्तो इह देवतः। क्षिप्रं हि मनुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ओं चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्याकर्तारमपि मं विद्याकर्तारमव्ययम्। ओं लामाङ्गलिं कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा इतीमं यः विजानाति कर्मभिर्ना सविद्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरैपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मत्त्वं पूर्वैः पूर्वोत्तरं कृतम्। ओं किं कर्म किं कर्मेति अवयोः पत्र मुहितः तत्ते कर्मे प्रवक्ष्यामि यज्जत्ता मोक्षः शुभत्। ओं नमः भगवति वासुदेवाय। कर्मणो जापि बुद्धव्यं बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्यं गहना कर्मण गतिः। ओं कर्मण्ये कर्म यः पुष्यत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमं मनुष्येषु स युक्तुः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धो कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधः। तक्तो कर्म फलाशङ्गं नित्यो तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विपद्वित्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। ओं निराशीर्यत चित्तात्मा तक्तो सर्वोपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वाप्नोति कुल्लिशम्। ओं यद्रच्छालव सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतो सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतो कर्म समग्रं प्रविलीयते। ओं ब्रह्मार्पणं ब्रह्मो हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओं दैवो मे वापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञं यज्ञेनापो उपजीवति। ओं सत्रादीनाइन्द्रियानन्ये संयमाग्नीषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्यो इन्द्राग्नीषु जुह्वति। सर्वाणि इन्द्रिया कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम यज्ञौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। ओं द्रव्ययज्ञास्ततापो यज्ञ योगो यज्ञास्तथा परे सद्ययज्ञान् यज्ञश्च यातयः संक्षिता व्रताः
ओमपाने जुब्बति प्राणं प्राणापानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्धं प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुब्बति सर्वोहत्वते यज्ञोबीदु यज्ञक्षेत कल्मषः यज्ञाशिष्ट अमृत भुजु यन्ति ब्रह्मो सनातनं नायं लोको हस्तु यज्ञिष्यो कुतूहन्यो पुरुषोत्तमं एवं बहुविधा यज्ञा वितोतो ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं जत्त्वभिमुक्षुषि सेयं दृग्गो मयात् यज्ञत् ज्ञान यज्ञः परन्तपो सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति तज्ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना ओं नमः भगवति वासुदेवाय याज्ञात्वाना पुनर्मोहमेवं यशोषि पाण्डवो येन भूतन्नशेषेण दृक्ष्यासत्मानथूमयि अपि चेदोषी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजिनं सन्तिरश्यसि यथोदांसी समद्भिग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं एव संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ओम श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति अग्रस्त श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको हस्ति न पारो न सुखं संशयात्मनः यगो संन्यस्त कर्माणं ज्ञानश्चिन्न संशयम् आत्मोबन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयो तस्मज्ज्ञानसम्भूतं रीतिस्थानं ज्ञानशीनात्मनः चित्तैनं संशयं यगम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओमिति श्रीमहाभारते शतशास्त्रायं संहितायं वैशिकं भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायं युगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे इति ज्ञानयुगनामकं चतुर्थोऽध्यायः समाप्तम् ॐ यदस्तरां परिभ्रष्टां मात्रहीनां चायात् भवेत् पूर्णं भव ततः सर्व तत्पुरुषाद् जनार्दनं जय गीता जय गीता जय गीता। এই অধ্যায়ে জগৎগুরু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছেন সাংখ্যজ্ঞান, দিয়াছেন সধর্ম পালনের গূঢ় উপদেশ, দিয়াছেন বুদ্ধিযোগ, কর্ম করিবার সুকৌশল এবং সর্বশেষে দিয়াছেন অতীন্দ্রিয় ভূমির সন্ধান। আমাদের করিয়াছেন জয়যাত্রী, মৃত্যুহীন দেশের পথচারী স্থিতপ্রজ্ঞ। ঈশ্বরের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি নিত্য সনাতন, তথাপি জের মায়া দ্বারা শরীর গ্রহণ করেন। দুষ্টের দমন, সাধুদের রক্ষা আর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগ যুগে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। শ্রী ভগবান বলিলেন, নানা লোকের নানাভাবে আমার ভজনা করে, যে যেভাবে আমার আরাধনা করে তাকেই আমি সেভাবেই তুষ্ট করিয়া থাকি, আর যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে তাহারাও শেষ পর্যন্ত আমাকেই লাভ করে। জগৎগুরু সৃষ্টি করিয়াছেন চারটি বর্ণ, তাদের গুণ ও কর্ম অনুসারে করতে বলেছেন নিষ্কাম কর্ম, আর এই নিষ্কাম কর্মই ঈশ্বরের কর্ম। আমি ভগবানের সৃষ্টি রক্ষার জন্য কাজ করিতেছি এই ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে, ইহাতে কাজটি হইবে সুন্দর, সধর্ম হইবে সুসম্পন্ন। শ্রী ভগবান বলিলেন, এই অব্যয়যোগ আমি প্রথমে সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য মনুকে এবং মনু ইক্ষাককে ইহা বলেছিলেন, ওহে অর্জুন, তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্য সেই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকেই বলিলাম, কারণ ইহা অতি উত্তম গুহ্যতত্ত্ব। তখন অর্জুন আবারও প্রশ্ন করিলেন, হে প্রভু, তুমি যে সৃষ্টির প্রারম্ভে সূর্যকে এই যোগ বলেছিলে তাহায় আমি কি রূপে বুঝিব প্রভু? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, হে পরন্তপ অর্জুন, আমি জন্মরহিত অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই। হে অর্জুন, শুধু জ্ঞানের বলেই
सकल सन्देह दूर है और विश्वास हे ज्ञान भित्ती। मानूष कखनो ज्ञानी हुए पृथ्वीते जन्माय ना, बड़ हुए ताके ज्ञान अर्जन करे निते हय। आर ए ज्ञान अर्जनेर जन्नो प्रयोजन ईश्वरमुखी साधना ओ भगवत प्रेम। मानव जीवन ताई अति दुर्लभ जीवन, ताई दुर्लभ जन्म के सार्थक करार जन्नो भगवत गीता के बुके धरे श्री भगवान श्रीकृष्णेर चरणे मति रेखे सामनेर दिके आमादेरके एगुते हबे। मानव जीवन निये गौरव करले तार गति हबे निम्न दिके। ताई एक बार हरि बोलो मन रोशना, एक बार कृष्ण बोलो मन रोशना, मानव देहेर गौरव कोइरो ना। एक बार हरि बोलो मन रोशना, एक बार कृष्ण बोलो मन रोशना, मानव देहेर गौरव कोइरो ना। एक बार हरि बोलो मन बारे बार, एक बार कृष्ण बोलो मन बारे बार, बेला डुबले हबे अंधकार। मानव देह माटिर भंड, भांगले हबे लंड भंड। भांगले जे आर जोड़ा लागे ना, आरे भांगले जे आर जोड़ा लागे ना। मानव देहेर गौरव कोइरो ना। एक बार हरि बोलो मन रोशना, एक बार कृष्ण बोलो मन रोशना, मानव देहेर गौरव कोइरो ना। डुबिले हबे राति संगे नाई मोर संगेर साथी, बेला डुबिले हबे राति संगे नाई मोर संगेर साथी। ए भाबो नदी केमने हबो पार, डुबले हबे अंधकार। एक बार हरि बोलो मन रोशना, एक बार कृष्ण बोलो मन रोशना, मानव देहेर गौरव कोइरो ना। पैसा विद्या बाड़ी जीवन गेले रबेरे पड़ी, संगेर साथी केउ तो हबे ना। संगेर साथी केउ तो हबे ना। एक बार हरि बोलो मन रोशना, एक बार कृष्ण बोलो मन रोशना, मानव देहेर गौरव।